हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों बात करेंगे श्रिंकेज ऑफ मेटालिक टायर ऑन ए व्हील। कहने का मतलब, एक हमारा टायर है, एक हमारा व्हील है, ठीक है। अगर सपोज मैंने मान लिया भाई, लो एक हमारा टायर है, ये मैंने मान लिया टायर है, लो भाई एक टायर है, एक हमारी क्या है व्हील है, ये हमारी क्या है व्हील है। अब इस टायर को इस व्हील में चढ़ाना है हमें, तो इस टायर को अगर इस व्हील में चढ़ाना है तो किस तरीके से चढ़ाना है, इसमें कितना इलोंगेशन होगा यानी थर्मल स्ट्रेन कितना होगा और उसमें स्ट्रेस कितना जनरेट होगा, उसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। आपको पता है एक चीज, अगर हमारा जो सर्कमफेरेंस है, अगर हम इसको क्या, अगर हम इसे इस टायर का सेम रेडियस है, अभी क्या करेंगे हम टायर को, इसको क्या करें, पहले हीट करेंगे, हीट करेंगे। अगर हम जब हीट करेंगे तो इसका जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डायमीटर बढ़ जाएगा तो अगर हम व्हील के बराबर कर दें, इस टायर का डायमीटर इस व्हील के बराबर कर देंगे, तो ये क्या होगा, इजिली इस पे क्या हो जाएगा, मतलब चढ़ जाएगा, माउंट हो जाएगा इजिली। बट आफ्टर प्री हीटिंग टायर क्या होता है, श्रिंकेज होने लगता है यानी सिकुड़ने लगता है, और एक ऐसी कंडीशन आती है जो टायर है इस व्हील के ऊपर अच्छी तरीके से क्या हो जाता है, ग्रिप करने लगता है, ठीक है। तो ये दोस्तों मेन कंडीशन है। अगर इस पे न्यूमेरिकल आता है, ई का वैल्यू पूछता है कि थर्मल स्ट्रेंथ कितना होगा, यानी और पूछता है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना होगा, इस तरीके से क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आते हैं, तो किस तरीके से करेंगे उसको बारे में हम बात करते हैं। तो सपोज दैट मैंने पहले कंसिडर कर लिया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या होगा कि हम कर क्या रहे हैं। मैंने मान लिया डी, ये क्या है, इंटरनल डायमीटर है ऑफ द टायर का, ठीक है। डी मैंने मान लिया क्या है, इंटरनल, इंटरनल क्या डायमीटर है, लो इंटरनल डायमीटर ऑफ मेटालिक टायर, ठीक है। ये मैंने टायर का मान लिया, लो भाई टायर का मान लिया, ओके टायर का मान लिया। और जो मैंने डी है, ये क्या है, एक्सटर्नल डायमीटर है व्हील का, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ व्हील, ओके। अब देखो ये हमारा क्या टायर है, ये हमारा क्या है, डायमीटर ऑफ व्हील है। अब ये व्हील के ऊपर टायर चढ़ेगा, यानी हमारा जो डी है ये हमें क्या लेस रखना है, क्योंकि हमें क्या कहेंगे, श्रिंकेज होगा, यानी कैपिटल डी हमारा क्या अभी ज्यादा है, क्योंकि हमारा क्या है व्हील, हमारा क्या एक्सटर्नल डायमीटर पे, ठीक है। मैंने मान लिया जो हमने टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, वो राइज टेम्परेचर टी है, राइज ऑफ टायर टेम्परेचर, ओके। हमने टी टेम्परेचर दिया है किसको, इस टायर को, इस पे चढ़ाने के लिए। अब इसके कुछ कॉफिशियंट होगा, मैंने मान लिया अल्फा है जो कॉफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है किसका, टायर का। ये हमारा क्या है, लीनियर एक्सपेंशन, ये क्या है हमारा, लीनियर एक्सपेंशन ऑफ टायर, ओके। एक ही चीज दोस्तों आपको ध्यान से समझना है, ये क्या है टायर का हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया। और देखो, और जो मटेरियल का यंग मॉडुलस होगा, क्योंकि यंग मॉडुलस तो भी होगा ना, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होगा, वो मैंने मान लिया ई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका, टायर का, ये मैंने मान लिया। अब देखो ये इसकी लेंथ होगी, कुछ इनिशियल लेंथ रही होगी, कुछ फाइनल लेंथ रही होगी। तो अगर हम चेंज इन लेंथ की बात करें, चेंज इन लेंथ की, किसकी, टायर की बात कर रहे हैं हम, टायर का, तो कितना होगा, पाई डी माइनस पाई डी, ओके, क्योंकि डायमीटर के अकॉर्डिंग है इसलिए मैंने ऐसा कंसीडर किया। और जो इनिशियल है, इनिशियल कितना है, जो हमारा इनिशियल है किसका, टायर का, टायर का, वो कितना होगा, पाई और डी होगा, क्योंकि हम हीटिंग तो टायर में दे रहे हैं ना, व्हील तो हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंने पाई और डी मान लिया। तो अगर हम यहां से स्ट्रेन का वैल्यू चाहिए, ये मैं डायरेक्ट दोस्तों यही आपको समझा सकता था, बट मैंने एक ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया। अब देखो, अगर हमें थर्मल स्ट्रेन चाहिए यानी ई चाहिए, तो क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है, पाई डी माइनस पाई डी, और ओरिजिनल कितना था इसमें, पाई और डी था ना, यानी इनिशियल हमारा इतना था, हीटिंग करने के बाद हमें मिला हुआ है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी डी माइनस डी अपॉन डी,
यानी कहने का मतलब अगर हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है इस तरीके से और हमें डायमीटर पता हो जाए व्हील का और टायर का, दोनों को माइनस कर दें और डिवाइड कर दें किसके टायर के डायमीटर से इनिशियल, तो हमें पता हो जाएगा कि हमारा थर्मल स्ट्रेन कितना था। ये हमने क्या निकाला है, थर्मल स्ट्रेन की बात किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारा थर्मल स्ट्रेन कितना निकलेगा। सपोज दैट हमें चाहिए स्ट्रेस, चाहिए सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, चाहिए क्या चाहिए, स्ट्रेन चाहिए, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस चाहिए। स्ट्रेन तो हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है, स्ट्रेस चाहिए। तुम्हारा क्या होता है, पी चाहिए ई और ई के रिलेशन में, ई और इनटू ई, हम ऐसा लिख सकते हैं, हमें पता है रिलेशन। अब देखो ये हमने ई लिखा और इसका वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, डी अपॉन डी अपॉन डी। अब ये रिलेशन आप कुछ याद दिला रहा है, इसके पहले जब मैंने पढ़ा था ये क्या है, ई इसके बराबर अल्फा टी के बराबर हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हमारा पूछा जाता है कि सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस क्या होता है या फिर स्ट्रेन क्या होता है, किस कंडीशन में श्रिंकेज ऑफ मेटालिक टायर ऑन ए व्हील, इस तरीके से दोस्तों आपके इस एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इसके ऊपर मैं एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करूंगा ताकि आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, अगर आप मैकेनिकल से या सिविल से ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।